हैप्पी होली एवरीवन। होली का त्यौहार आए और गुजिया के साथ नमकीन ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने भी 3 तरह की नमकीन बनाई है, काजू नमकीन, नमक पारे और मछलियाँ। तीनों को बनाने के लिए एक ही डो तैयार किया है। सबसे पहले मैंने 1 किलो मैदा लिया है। मैदा में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाया है और स्वाद के अनुसार नमक डाला है। थोड़ा सा अजवाइन डाली है और कसूरी मेथी डाली है। सब चीज़ों को डालने के बाद आटे में सही से मिला लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिलती हैं। मैं इसमें मोयन लगा रही हूँ। मोयन के लिए मैंने 200 ml तेल लिया है और उसमें आटे में तेल डालकर अच्छे से मोयन लगाएंगे। मोयन लग चुका है। अब मैं आटे को पानी की हेल्प से टाइट डो बना लूँगी। हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसको 20 से 25 मिनट ढक करके इसी तरह से रहने दूंगी। 20-25 मिनट बाद हमारा डो मुलायम हो गया है। ये नमकीन बनाने के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले मैं नमक पारे बना रही हूँ। नमक पारे बनाने के लिए मैंने एक बड़ी पूरी ली बनाई है। पिज्जा कटर की हेल्प से पतला पतला और लंबा लंबा और तिरछा काट लिया है। अब मैं काजू नमकीन बना रही हूँ। काजू नमकीन बनाने के लिए भी मैंने एक बड़ी पूरी बनाई है। उसे पिज्जा कटर की हेल्प से लंबे लंबे और थोड़ा चौड़े चौड़े पीस काटे हैं और कोल्ड ड्रिंक की कैप से काजू बना रही हूँ। इसी तरह से मैंने नमक पारे और काजू नमकीन बना ली है। मैंने इनके साथ थोड़ा सा बर्फियाँ भी बनाई हैं। अब इनको तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं काजू नमकीन को फ्राई कर रही हूँ। काजू नमकीन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे तेल से निकाल रही हूँ। अब मैं नमक पारे फ्राई कर रही हूँ। नमक पारे को भी मीडियम आंच में फ्राई कर रही हूँ। नमक पारे भी फ्राई हो चुके हैं। मैं भी तेल से छन्नी की हेल्प से बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह से मछलियों को भी तल रही हूँ। मछलियाँ भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें तेल से निकाल रही हूँ। हमारी काजू नमकीन तैयार हो चुकी है। अब मैं एक मसाला मिला रही हूँ जिससे कि नमकीन चटपटी हो जाए। मसाले में मैंने काली मिर्च, काला नमक, अमचूर पाउडर और चाट मसाला मिलाया है। इस तरह से हमारी चटपटी काजू नमकीन तैयार हो चुकी है। ये कुछ मछलियाँ तैयार हो गई हैं और ये नमक पारे तैयार हो चुके हैं। यदि आप सभी को मेरा नमक नमकीन बनाने का यह तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि मुझे आने वाले और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे।